Hello children, standard first, as I taught you the story, the tiger is a monster. जैसे मैंने आपको पहले स्टोरी में बता दिया था कि एक पेड़ के नीचे एक टाइगर सो रहा होता है, हल्की सी नींद उसको छाई हुई होती है, सो रहा था। उसी टाइम वहाँ पर एक मॉस्किटो आता है और मॉस्किटो आके उसको परेशान करता है, उसके कान में आके उसको बर्स करता है और उसकी अपनी आवाज़ से उसको टाइगर की नींद को खराब करता है। टाइगर गुस्सा पड़ता है, टाइगर उससे मना करता है कि गो अवे फ्रॉम हियर, पर वो नहीं सुनता बात को और वो वहाँ पर परेशान करता था। टाइगर बोलते हैं गो अवे, यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुमको मारूंगा। फिर भी मॉस्किटोज को उस बात का कोई असर नहीं होता। उसके बाद मॉस्किटो क्या करता है और टाइगर के साथ क्या होता है, हम आगे की स्टोरी पढ़ेंगे। सो प्लीज लिसन टू मी केयरफुली दिस स्टोरी। द मॉस्किटो फ्लू ऑफ। जब टाइगर ने अपने हाथ के पंजे से मारने की कोशिश की टाइगर को, सॉरी मॉस्किटो को, तो मॉस्किटो वहां से उड़ गया। द पॉस्ट ऑफ हिज ओन चीक। और जब टाइगर उसको हार्म पहुंचाने लगा, उसे पंजा मारने दिया मॉस्किटो को, मैं इसको मार दूं, तो उसके हाथ से पंजे से कुछ उसको लाइट को उसकी चीक पे, यानी उसके गाल पे स्ट्रक हिज ओन चीक, उसको अपने गाल पे कुछ चोट लग गई। द ब्लो स्क्रैप हिज चीक। और उसका जो हाथ का पंजा है उसके हाथ पे कुछ लगी, तो मारने गया, फिर वापस से जब हाथ पीछे लिया उससे उसे अपने आप को खुद हर्ट कर लिया और इट बिगन टू ब्लीड, और उसको वहाँ पर ब्लड आना शुरू कर दिया। तो मॉस्किटो बर्स जगह, और मॉस्किटो बर्स जगह यानी मॉस्किटो ने वो फिर भी आवाज़ करना अभी भी बंद नहीं किया और वो अपनी आवाज़ करना चालू किया। जिस टाइगर स्ट्रक विथ हिज अदर पॉ, फिर टाइगर ने क्या किया, अपने दूसरे पंजे से फिर से मारने की कोशिश करी मॉस्किटो को, पर इट वॉज ऑफ नो चांस बिकॉज द मॉस्किटो फ्लू अवे। ऐसा करने से मॉस्किटो बहुत छोटा सा होता है और बहुत एक्टिव होता है, वो इतना टाइनी क्रिएचर है कि वो उड़ जाता है, वो उड़ जाता है और आप उसको कुछ नहीं कर सकते हो। दिस टाइम टू हिट्स इटसेल्फ। इस बार फिर से उसने यही किया, उसने फिर से मारने की कोशिश की और उसने फिर से अपने आप को चोट पहुंचाई और वो कुछ नहीं कर पाया और उसको टाइगर को फिर से चोट लग गई। तो टाइगर बहुत हेल्पलेस, टाइगर को बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि देखो फर्स्ट टाइम टाइगर ने जब उसको मारने के अपने पॉज से तो उसको चोट लग गई, सेकेंड टाइम उसे दूसरे हाथ से, आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग खुद ऐसा करते जब आपके पास मच्छर मॉस्किटो आता है, आप लोग कुछ काम कर रहे होते तो आप एक हाथ से मारने जाते हो दूसरे हाथ से करते हो, पर कितनी बार ऐसा होता है नहीं होता, कितनी बार आपके जो नेल से उससे ही आपको कोई स्क्रैच आ जाता है, आपको लोग चोट लग जाते हो। इसी केस दिस हैपन विद टाइगर के साथ भी यही होता है। तो वो टाइगर वॉज हेल्पलेस यानी टाइगर अपने आप को बहुत हेल्पलेस महसूस कर रहा था कि मैं क्या करूँ, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। द मॉस्किटो कंटिन्यूस टू बर्स, और मॉस्किटो परेशान करना बंद नहीं करता और वो बर्स करने का उसका वो चलता रहता है। टाइगर गॉट अप एंड क्वाइटली वॉक्ड आउट। टाइगर को जब देखा कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी कोई मदद नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अपने आप को खुद थक हार के वो वहाँ से चुपचाप चला जाता है। द मॉस्किटो पावर्ड आउट आफ्टर। तो जब मॉस्किटो देखता है कि टाइगर अब चला जा रहा है, जिसको बहुत घमंड था अपने आप पे, बहुत ताकत पे अपने प्राउड था, तो मॉस्किटो ये कहता है कि डोंट बी सो प्राउड माई फ्रेंड। तो टाइगर को बोलता है मेरे दोस्त ज़्यादा घमंड मत करो अपने आप पे, तुम्हें अपनी ताकत पे बहुत घमंड था, अपने आप पे कभी ताकत पे और अपने आप पर कभी घमंड मत करो, बिकॉज एवरी वन इज ग्रेट इन इज ओन वे। क्योंकि हर कोई जो है ऑन दिस अर्थ, जो भी इंसान है, एनिमल है, इंसेक्ट है, एवरी वन इज ग्रेट इन, हर इंसान अपने आप में कहीं ना कहीं ग्रेट है। तो हमें किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए कि यू आर नॉट हैविंग पावर, तुम ताकतवर नहीं हो, मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर, मैं तुमको मसल दूंगा। तो अपने आप में प्राउड करना चाहिए, बोलते ना अहंकार है, वो नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे आपको स्टोरी में समझ में आया होगा, आई थिंक यू मस्ट बी क्लियर विद द स्टोरी, कि हमें कभी भी किसी भी चीज़ को लेकर प्राउड फील नहीं करना चाहिए, सबको हेल्प करना चाहिए, सबको समझना चाहिए ताकि हम आगे चल के सबको हेल्प कर सकें। लेकिन इस स्टोरी से हमें यही बताया जाता है कि टाइगर को कितना प्राउड था अपने आप पर। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू दिस पिक्चर, यू विल लव टू सी दिस पिक्चर एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। देखो आपको यहाँ दिख रहा है ये पिक्चर में, देखो आप टाइगर ने किस तरह से अपने आप को, जब मॉस्किटो उसको परेशान करता है तो मॉस्किटो को एक हाथ से पौसे तो अपने आप को मारने जाता है मॉस्किटो को कि मैं मार दूँ, पर मॉस्किटो यहाँ से वहाँ देखो कैसे दौड़ रहा है। तो टाइगर ने देखो अपने आप को कैसे चोट पहुँचा ली, वो मारने जा रहा था मॉस्किटो को कि तुम मेरे कान पे आके मत बोलो, मुझे परेशान मत करो, पर टाइगर ने अपने आप को चोट पहुँचा ली। टाइगर को देखो यहाँ पे दोनों साइड पर चोट लग गई, उसको ब्लड आ रहा है और वो थक जाता है अपने आप को परेशान होते देख कर। तो टाइगर क्या करता है, थक हार के वो देखो कैसे उदास होकर, उसका फेस देख रहे हो कैसे उदास होकर वो जा रहा है
क्योंकि उसको पता है मच्छर मुझे जगह जगह पे काट के परेशान कर रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, इतने छोटे जानवर को इंसेक्ट को मैं मार नहीं पा रहा हूँ, तो मैं क्या करूँ। तो वो टाइगर देखो चला जाता है उदास होकर, आपको दिख रहा है उसका फेस कितना उदास है, वो चला जा रहा है। तो मॉस्किटो देखो यहाँ पे खड़ा है, तो मॉस्किटो उसको क्या बोलता है कि देखो यहाँ पे डोंट बी सो प्राउड, घमंड मत करो माई फ्रेंड, एवरी वन इज ग्रेट इन, हर इंसान अपने आप में ताकतवर होता है और उसमें कोई ना कोई चीज़ होती है जिससे वो ग्रेट होता है। तो कभी भी किसको आपको किसी को भी आपको कभी इंसल्ट नहीं करना चाहिए, कभी भी किसी को हार्ट नहीं करना चाहिए, कि हर इंसान में कोई ना कोई अच्छी ताकत और कोई ना कोई हर चीज़ में किसी ना किसी चीज़ में ग्रेट होता है। नाउ आई वांट टू रीड दिस हार्ड वर्ड्स फॉर यू, सो प्लीज लिसन टू मी केयरफुली। एफ एल ई डब्ल्यू, फ्री रनिंग, उड़ जाना। एस टी आर एस इज द स्ट्रक्चर यानी अटक जाना। सी एच डब्ल्यू के जी यानी गाना। बी एल ई डी बी ली यानी घूमाना। क्यू यू आई डी एल वाई क्वाइटली यानी धीरे से। Able to understand. Okay, so thank you for listening me the story and read this.